नमस्कार, मैं हूं शशि। संध्या समाचार में आपका स्वागत है। आइए झारखंड के दिन भर की खबर जानते हैं। सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी का धनबाद में बंटाधार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का धनबाद में बंटाधार हो चुका है। धनबाद जिला झामुमो का विवाद सोमवार को रांची में केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष उठेगा। जिला अध्यक्ष रमेश टुडू को हटाने की मांग को लेकर जिला अध्यक्ष पवन महतो के नेतृत्व में विधायक मथुरा प्रसाद महतो के समर्थक रांची पहुँचेंगे। रमेश टुडू को हटाकर लोकतांत्रिक तरीके से जिला अध्यक्ष का चुनाव कराने की मांग पवन महतो कर रहे हैं। बता दें, पवन महतो का आरोप है कि रमेश टुडू ने कोयला एवं लोहा चोरी को पार्टी में शामिल कर दिया है। इधर जिला अध्यक्ष रमेश टुडू ने पवन महतो पर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष दबाव बनाया है। उनका आरोप है कि पवन महतो समानांतर कमेटी बनाकर पार्टी अनुशंसा को तोड़ रहे हैं। रमेश टुडू द्वारा मनोनीत सभी प्रखंड अध्यक्षों ने पवन महतो पर कार्रवाई की मांग केंद्रीय नेतृत्व से की है। वहीं रमेश टुडू के समर्थक भी आज रांची में अपनी बातों से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे। नए साल में रांची करेगी T20 इंटरनेशनल मैच की मेजबानी। राजधानी रांची समेत झारखंड के खेल प्रेमियों के लिए नववर्ष साल 2023 शानदार होने वाली है। जनवरी फरवरी 2023 में आयोजित होने वाले T20 इंटरनेशनल मैच की मेजबानी रांची के JSCA स्टेडियम को मिली है। यह पहला मौका है जब रांची के JSCA स्टेडियम में 3 माह के अंदर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मैच आयोजित होगा। यह झारखंड वासियों और JSCA के लिए बहुत गर्व की बात है। बता दें कि साल 2013 में भी रांची के JSCA स्टेडियम में 10 माह के अंदर 2 वनडे इंटरनेशनल मैच का आयोजन हुआ था। रांची में अब तक 6 वनडे मैच खेले जा चुके हैं। वहीं रांची के JSCA स्टेडियम में अब तक T20 मुकाबले हो चुके हैं। जनवरी फरवरी में होने वाला यह चौथा T20 मुकाबला होगा जो रांची में खेला जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा, सीएम अपने मुंह से मुझे कहे भ्रष्टाचारी। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भ्रष्टाचार के मामले में झामो के बयान पर पलटवार किया है। बाबूलाल ने रविवार को कहा है कि मुझे और खुशी होगी जब देश के सबसे युवा और ईमानदार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने मुँह से मुझे भ्रष्टाचारी कहेंगे। मैं इसे सहर्ष स्वीकार कर लूँगा। बता दें कि झामो ने कहा था कि बाबूलाल ने खुद कहा था कि भ्रष्टाचार के कारण उन्हें नींद नहीं आती है, फिर भी उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। इससे साफ है कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार हुआ था और कार्रवाई नहीं कर इसके भागीदारी बने। बाबूलाल ने कहा कि भ्रष्टाचार की बात सुन मुझे नींद नहीं आती, इसलिए मैं भ्रष्टाचारी हो गया। तो इस आरोप का स्वागत है, लेकिन मुख्यमंत्री मुझे भ्रष्टाचारी कह दे स्वीकार कर लूँगा। तीरंदाजी खिलाड़ी कोमोलिका की ट्रेनिंग के लिए माँ बाप ने बेचा था घर। गुजरात के अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में जमशेदपुर की बेटी कोमोलिका ने रजत और कांस्य पदक हासिल कर झारखंड का नाम रोशन किया है। कोमोलिका बारी पर आज झारखंड के हर एक नागरिक को नाज है, लेकिन बहुत कम लोगों को उनकी सफलता के पीछे के संघर्ष और माँ बाप के त्याग की कहानी पता है। बता दें, झारखंड और जमशेदपुर की बेटी कोमोलिका के माता पिता ने संघर्ष के साथ बेटी का हौसला बढ़ाया, यहां तक कि बेटी को आगे बढ़ने के लिए बिरसा नगर जमशेदपुर में अपना मकान को बेच दिया ताकि बेटी को तीरंदाजी के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सके। मिनरल वाटर के लिए आर्मी जवानों ने मालिक को पीटा। मिनरल वाटर की बोतल के लिए आर्मी के जवानों ने झारखंड में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान होटल मालिक से भिड़े आर्मी जवान ने पुलिस वालों को भी पीटा। इस मामले में 2 आर्मी जवान और धनबाद पुलिस बल में तैनात 1 जवान को कड़ी मकसद के बाद काबू में किया गया। पुलिस पदाधिकारियों से उलझने के मामले में 3 जवान सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार 3 जवान सहित 4 लोगों पर पुलिस के साथ मारपीट करने, हथियार छीनने का प्रयास करने और सरकारी वाहन को क्षतिग्रस्त करने का आरोप है। इस मामले में आर्मी में तैनात जवान लालू गोप, विष्णु कुमार गोप, पुलिस जवान मनोहर गोप और विष्णु गोप को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक पिंडरा जोर थाना क्षेत्र के बेडनी मोड़ स्थित लक्ष्मण होटल में गिरफ्तार 4 आरोपी होटल मालिक से पानी का बोतल लेने को लेकर उलझ गए थे। लोहरदगा में विधवा महिला के साथ हैवानियत करने वाला दोनों IRB जवान बर्खास्त। लोहरदगा जिले के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित शेरे दाग पुलिस पिकेट क्षेत्र में विगत 4 अक्टूबर को आदिवासी अधेड़ विधवा महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले IRB के दोनों जवानों को पुलिस मुख्यालय ने बर्खास्त कर दिया है। दुष्कर्म की इस घटना सामने के बाद IRB के कमांडेंट अनूप लाल जाँच के लिए लोहरदगा आए थे। उन्होंने मामले की जाँच करते हुए अपनी रिपोर्ट वरीय पदाधिकारी को सौंप दी थी।
जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने आईआरबी के जवान कृष्णकांत तिवारी और अजय बाड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। खूंटी से कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा शुरू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा अभियान के तहत कन्याकुमारी से कश्मीर तक किए जा रहे पदयात्रा के समर्थन में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा खूंटी जिला से सोमवार को भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया। यह यात्रा खूंटी जिला के उलिहातु स्थित भगवान बिरसा की जन्मस्थली से प्रारंभ किया गया। बता दें, पहले दिन इस यात्रा के माध्यम से 12 किलोमीटर तक का सफर तय करने का लक्ष्य रखा गया है। यह यात्रा खूंटी जिला के उलिहातु से चलकर 12 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद कीताहातु पहुंचकर सावा में तब्दील हो जाएगा। गढ़वा में मुखिया ने 5 आदिम जनजाति युवकों को पीटा, FIR दर्ज। झारखंड के गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के पालहे गांव में मुखिया द्वारा दबंगई का परिचय देते हुए 5 आदिम जनजाति परिवार के युवकों की बंधक कर पिटाई करने तथा बाल मुंडन कराने का प्रकाश मामले में आया है। पीड़ित 5 आदिम जनजाति के युवकों ने रविवार को न्याय के लिए चिनिया थाना पहुँचकर थाना प्रभारी को आवेदन दिया है। थाना को दिए गए आवेदन में दिनेश कुरवा, विनोद कुरवा, अजय कुरवा, गंगा कुरवा, रूपेश कुरवा सभी पालहे गांव निवासी ने मुखिया समेत अन्य लोगों को आरोपित बनाते हुए इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। लातेहार में टाना भक्तों ने व्यवहार न्यायालय का किया घेराव। झारखंड के लातेहार जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, लातेहार जिला में टाना भक्तों ने व्यवहार न्यायालय का घेराव किया है। इसके अलावा टाना भक्तों ने कोर्ट कचहरी बंद कराने का नारा लगाया। जानकारी के अनुसार टाना भक्तों ने 5वीं सूची क्षेत्र में कोर्ट कचहरी अवैध है का नारा लगाया। अखिल भारतीय टाना भगत संघ के तत्वाधान में टाना भक्तों ने सोमवार को व्यवहार न्यायालय कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान टाना भक्तों ने 5वीं अनुसूची के तहत कोर्ट कचहरी बंद कराने का नारा लगाया है। इस दौरान अंचल अधिकारी रुद्र प्रताप व पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने टाना भक्तों को काफ़ी समझाया, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी और समाचार लिखे जाने तक वार्ता विफल रहा। मुलायम सिंह यादव के निधन पर सीएम हेमंत ने जताया दुख। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को गुरुग्राम के मेदांत अस्पताल में अंतिम सांसें ली। उनका निधन 10 अक्टूबर सुबह 8:16 पर हुआ। ये जानकारी उनके बेटे अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दी है, जिसके बाद पूरे देश की राजनीति गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मुलायम सिंह यादव की हालत गंभीर बनी हुई थी। उन्हें गुरुग्राम के मेदांत अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उनका इलाज चल रहा था। झारखंड के राजस्व कर्मियों की हड़ताल जारी। झारखंड भर के राजस्व कर्मी 24वें दिन भी हड़ताल पर रहे। राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के पदाधिकारियों ने रविवार को हड़ताल की समीक्षा की। पदाधिकारियों ने राज्य के सारे जिलों के राजस्व कर्मियों से संपर्क साधा और एकजुट रहने का आग्रह किया। साथ ही रांची में एकत्र होने की भी बात कही। बता दें, संघ के मुख्य संरक्षक भरत प्रसाद सिन्हा और महामंत्री दुर्गेश मुंडा ने कहा है कि हड़ताल 100% सफल है। राजस्व उप निरीक्षक पूरी तरह से सरकारी कामकाज से अलग हैं। इसका असर कामकाज पर दिख रहा है। भूमि और सर्टिफिकेट से संबंधित किसी तरह के कार्य नहीं हो रहे हैं। सारा काम रुका हुआ है। इसके बाद भी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा। राजस्व कर्मियों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव से बातचीत हुई थी। सचिव का रुख सकारात्मक रहा, लेकिन मामला ग्रेड पे बढ़ाने पर फंसा रहा। यह मामला वित्त विभाग के अधीन है। ऐसे में मुख्यमंत्री के समक्ष मामले को लगाया जाएगा। झारखंड के उत्कृष्ट व आदर्श स्कूलों में होगी शिक्षकों की नियुक्ति। देवघर के 3 उत्कृष्ट स्कूल व 13 आदर्श स्कूलों में संविदा पर 93 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त होने वाले इन शिक्षकों का मानदेय 26,250 रुपये तय किया है। जानकारी के अनुसार प्राथमिक से लेकर प्लस टू तक की पढ़ाई के लिए केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेल आइकन दबाइए। साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।